खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित फिल्म पानीपत बनकर तैयार है और इस फिल्म में क्या कुछ खासियतें हैं ये बताने के लिए मौजूद हैं खुद यहां पर अर्जुन कपूर, कृति सेनन और फिल्म के जो निर्देशक हैं आशुतोष गुवारिकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अर्जुन। सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इतिहास पर आधारित ये पहला किरदार आप निभाने जा रहे हैं, ऐसे में कितना आसान या कितना मुश्किल था जब ये आपके पास ऑफर आया और आपने कब ये इमेजिन किया कि सदाशिव भाऊ राव भाऊ का ये किरदार आप निभा सकते हैं? आप कैसे कन्विंस हुए, आशुतोष सर ने आपको कैसे कन्विंस किया कि आप ये किरदार में जचेंगे? निर्णय लेना बहुत आसान था, कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कहानी इतनी अच्छी है। अच्छी इन द सेंस की कहानी जरूरी थी। जब मैंने सुना मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि यार ये कहानी आज तक कैसे नहीं दर्शाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, प्री इंडिपेंडेंस देखा जाए उसके बाद। ये 1761 के पहले मुगल आए थे और इसके बाद ब्रिटिश आए थे, पर ये समय वो था जब मराठा रूल कर रहे थे हिंदुस्तान को। मैंने कहा यार ये हमने किताबों में भी उस लेवल पे नहीं पढ़ा, ना हमें पता है क्यों हुआ था। मुझे सिर्फ पानीपत ये शब्द पता था और वो जगह पती थी और कुरुक्षेत्र के बारे में सुना था। तो कन्विंसिंग तो मैं वैसे ही कन्विंस हो गया था कहानी पर। जर्नी कठिन थी जैसे हर फिल्म की होती है, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा बाधाएं इसीलिए भी थी क्योंकि हॉर्स राइडिंग से लेके जैवलिन थ्रोइंग से लेके मराठी डायलेक्ट को समझना, कल्चर को समझना, जो जो छोटी छोटी चीजें आती है, जो ऑब्वियसली देयर स्मॉल टेस्ट द टेस्ट यू, बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई चोज टू जंप इन। बिकॉज अगर आप स्विमिंग करना सीख रहे हो तो आपके टीचर को ओलंपिक लेवल की स्विमिंग आनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो ये ओलंपिक लेवल के फिल्म मेकर है इन टर्म्स ऑफ वेयर दिस जॉनर दिस स्पेस एंड बीइंग अ महाराष्ट्रियन हिमसेल्फ, आई थिंक हिज रिप्रेजेंटेशन वुड बी ऑथेंटिक। तो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स अलाउड इट टू बी अ डिसीजन टू टेक इजिली एंड द जर्नी एज टफ एज इट वॉज नेवर डिफिकल्ट। पहले ही सवाल पूछने के तुरंत बाद उन्होंने हाँ कह दिया, तो दैट इटसेल्फ वॉज एन इंडिकेशन कि उन्होंने वो जो हम कहते हैं ना शरणागत हो गए कि आप ये मुझे करना है और आप जैसे कह रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। बिकॉज इसमें सरेंडर और इसमें जरूरी यह था कि आपको अगर एक नॉर्मल फिल्म के लिए 60 दिन देने पड़ते हैं तो इस फिल्म में 100 दिन देने पड़ेंगे। आपको पेशवा है तो आपको मुंडन करना पड़ेगा, आपको हॉर्स राइडिंग से, अगर आपको घोड़ों से डर लगता है तो आपको इसमें हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें। सो ही हैड जस्ट सबमिटेड हिमसेल्फ एंड उन्होंने सारी ट्रेनिंग जितनी करनी पड़ती है, हॉर्स राइडिंग की, सोर्ड फाइटिंग की, एक्शन की, मराठी सीखना पड़ा। और जब बाल मुंडन किए तो नॉर्मल मुंडन नहीं है जिसमें आप पूरे निकाल देते हैं, आपको घेराशंडी रखनी पड़ती है। इसका मतलब आप कोई पार्टी में भी अगर जाएंगे तो आपको घेराशंडी भी कवर करके जाना पड़ा। हमने अर्जुन को देखा है कि इतने महीनों तक कि जब भी वो कहीं जाते थे वो सिर छुपा के, मुंह छुपा के, सिर छुपा के भाग रहे होते यहाँ वहां। तो वो एक कंट्रीब्यूशन एक्टर का बहुत जरूरी है व्हेन यू मेक अ फिल्म ऑफ दिस स्केल। सो वही कृति का भी था, वही संजय का भी था, बिकॉज ऑल एक्टर्स हैड टू नो एंड सबमिट। थैंकफुली आई डिडंट हैव टू गो बॉल्ड, बट यू नो यू सीम लाइक द एक्टर एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल सिंसियरिटी, यू सीम लाइक इफ समबडी कन्विंसेस यू विद द राइट रोल यू वुड कंसीडर इट। That's one thing I'm not so sure of, but never say never. सब यही बोलते हैं, but eventually मैं बाला बन जाऊंगी। कि आप भी पहली दफा पर्दे पर एक ऐतिहासिक किरदार निभा रही हैं, आपको मराठी भी बोलनी थी, उस लहजे में बोलना था, तो किस तरह की प्रिपरेशन आपने की थी, किस तरह से? कि मैं उनके साथ काम कर रहा था तो तुमने तो कोई मराठी मुझे सिखाई नहीं है। किस तरह से आपने पार्वती बाई के किरदार के लिए अपने आप को खुद को तैयार किया, मानसिक तौर पर भी और फिजिकली भी? Well, Marathi was my first concern because I'm a Punjabi, I'm from Delhi, I have no idea about Marathi. मेरे आसपास जब से मैं बॉम्बे आई थी बहुत लोग मराठी में बात करते थे पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। और मुझे ये था कि पार्वती बाई जब मराठी बोलेगी तो वो ऐसी लगनी चाहिए कि वो बचपन से बोलती आ रही है, वो ऐसा एफर्ट उसमें नहीं दिखना चाहिए कि मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो केतकी जो मेरी डायलेक्ट कोच थी वो थी, उन्होंने बहुत हेल्प की। और
सीन्स और सारे मेरे मराठी डायलॉग्स को लेकर हम रिहर्स करते थे काफ़ी. एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द लैंग्वेज एंड आई वॉन्टेड टू, एज एन एक्टर यू गेट ग्रीडी एंड यू वॉन्ट टू एड अ लिटिल बिट हियर लिटिल बिट देयर. तो मैं सेट पे सर से पूछती थी कि सर इसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो जो अरे पता है, अब पता है इज नॉट इम्पॉर्टेंट यू नो इन अ सेंटेंस, आगे का सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है, तो वो हिंदी में. बट यू नो तो मतलब आई थी, सो दोज थिंग्स आर थिंग्स दैट आई स्टार्टेड एडिंग विद हिम एंड थैंकफुली ही इज मराठी सो ही वॉज ऑन सेट ऑलवेज टू करेक्ट अस एंड ऑल ऑफ दैट. But that was just like one part of it. Obviously, that's something that was in the character. Horse riding मुझे इतनी नहीं करनी थी. Thankfully मैंने राप्ता में horse riding और sword fighting दोनों का थोड़ा थोड़ा किया हुआ था. मेरी I think राप्ता was my prep. So that वो बहुत काम आई. Of course I brushed it up. But पार्वती भाई कैसी है, जब हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो कई बार होता है कि वो बहुत डायलॉग साउंड करने लगता है क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं होती है. यू नो हम आम जिंदगी में वैसे नहीं बोलते हैं. तो टू मेक श्योर दैट यू मेक दैट रिलेटेबल एंड बिलीवेबल एंड यू आर सेइंग इट इन अ वे दैट यू आर टॉकिंग, दैट वॉज समथिंग दैट आई हैड टू मेक श्योर एंड यू नो कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ. कुछ कुछ मेरे एक्सप्रेशन कभी कभी निकलते हैं जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी होते हैं. सो टू कीप टेलिंग योर सेल्फ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकती है पार्वती भाई, ये एक्सप्रेशन उसका नहीं हो सकता है. बट वेन यू हैव समवन लाइक हिम हु इज देयर टू कम्प्लीटली गाइड यू, इट बिकम्स वे मोर इजियर. अर्जुन, आपने इश्कज़ादे से शुरुआत की थी और इश्कज़ादे से लेकर अब तक जितने भी फिल्में की हैं इस फिल्म को छोड़कर, क्या जब आप इस फिल्म के सेट पे थे और अभिनय कर रहे थे तो आपको वो सब कुछ अनलर्न करना पड़ा इस किरदार को निभाने के लिए, एक स्टेप आगे जाके कुछ करना पड़ा, इस बारे में कुछ बता सकते? आई थिंक वो सब फिल्मों का अनुभव ही काम आया ऐसी फिल्म करने में, क्योंकि अगर मैं शायद ये पहली एक दो तीन फिल्मों में करता तो आई वुड नॉट बी एबल टू बी सो काम में भी. ये फिल्म के लिए क्या एक दिमाग की शांति भी जरूरी थी. आप उत्सुक और बेचैन नहीं हो सकते कि आज मुझे ये करना है, यहाँ जाना है. एक जिंदगी में भी आपको ठहराव लाना पड़ता है, बिकॉज जैसे सर ने कहा एक फिजिकल सैक्रिफाइस भी है कि आप एक तरह से दिख रहे हो, आपको समय बिताना पड़ता है. एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हम लोग मुंबई से बाहर भी थे बहुत समय तक. सदाशिव राव भाऊ जब खड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप पर्दे पर देखेंगे ना, वो बहुत श्योर है वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सर्टेन है, स्ट्रॉन्ग भी है, वल्नरेबल भी है, लेकिन कभी भी कंफ्यूज नहीं है, कामनेस है. हाँ, तो वो आई थिंक मेरी जिंदगी में सही समय पे भी ये फिल्म आई है जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ वो कामनेस का महत्व क्या है. एंड दैट कम्स फ्रॉम द वर्क द लाइफ दैट आई हैव लेड और व्हाटएवर इट इज, बट आई थिंक इट इज एट द राइट टाइम. इससे पहले या इससे बाद शायद वो तालमेल कम होता, तो आई थिंक जो होता है सही चीज जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. बट यू आल्सो सीम टू बी द पर्सन हु इज वेरी सर्टेन एंड कॉन्फिडेंट एंड श्योर व्हाट यू आर डूइंग. Personally, yeah, at least what I have seen. Yeah, I am. That is what I'm saying. I think वो सही time पे हुआ. I think if he came earlier, he wasn't. Earlier, I wasn't. I was a bit more. I was a bit more conflicted. एक खिंचाव होता है आपकी निजी जिंदगी में भी होता है, आपके वर्क लाइफ में भी होता है. आप सब कुछ करना चाहते हैं. You want to be. अरे मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. हाँ, so now मेरे लिए this came at the right time where I knew I can give this one year, be relaxed and work towards it with all my intention. मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से सवाल थे फिल्म की शूटिंग के दौरान जिसे पूछ पूछ कर आप दोनों ने आशुतोष सर को बहुत परेशान किया. सर हम करेक्ट कर रहे हैं ना, ये सही था ना, वो हर रोज वही था कि यार ये सही था. मेरे लिए तो वही होता था कि सर यू आर हैप्पी, बिकॉज मैं ज्यादा वीडियो से चेक नहीं करता ना मैं शॉर्ट देखता हूँ. अगर सर ने ओके बोल दिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ. मैं उनमें से नहीं हूँ कि घुस घुस के बार बार और बेटर करने की कोशिश करें, बिकॉज आई फील ही नोज व्हाट आई डोंट नो अबाउट व्हाई ही नीड्स मी टू बी अ सर्टेन. तो मैं रोज वही पूछता था सर आपके लिए ठीक था, सर दिस वाज गुड, एक और करें. इट वाज कॉन्स्टेंटली सीकिंग दैट वैलिडेशन फ्रॉम हिम दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन एज गोइंग टुवर्ड्स सदाशिव राव भाऊ. आप क्या पूछती थी? सर आई थिंक सर बता सकते हैं कि हम क्या पूछते थे. उनसे भी पूछने वाला हूं. नहीं, इज इट ओके अगर मैं कहूं कि यस इट्स ओके? आई श्योर? आई श्योर बड़ा इरिटेट करता था और मुझमें एक है कि आई ऑलवेज फील लाइक आई कैन डू बेटर.
चाहे मैं कर पाऊँ या नहीं वो अलग बात है. तो बेटर इज कॉन्टेक्चुअल. आपके हिसाब से मैं बेटर कर सकता हूँ लेकिन उनके हिसाब से उनको ये पसंद है तो फिर मुझे उनको बिलीव करना पड़ेगा बिकॉज फिल्म उनको पता है. तो वो एक वो दैट इज द थिंग अबाउट डूइंग बेटर. अच्छा कई बार हुआ, कितनी बार हुआ मैंने. अच्छा शुरुआत में वरुण धवन थिंग इट इज अ वरुण धवन थिंग. तब तक ओके नहीं बोलेगा जब तक उसको उसका टेक सबसे बेस्ट नहीं लगता. आई एम वेरी सिमिलर टू हिम इन दिस केस बिकॉज इन दिलवाले वी यूज टू कॉल हिम वन मोर धवन. One more Dhawan. Yeah, because he used to ask for one more every time. Sir, one more. Sir, one more. and उसके साथ भी होता है. मेरे साथ भी तीन चार केस छोड़कर मोस्टली होता है कि जो सर ने बोला वही सही था. नेक्स्ट जो मैं वन मोर मांगती हूँ वो कभी अच्छा नहीं होता है. मेरा भी वही. बट वो तीन चार केस जो निकले हैं ना कि या दिस वॉज बेटर एक्चुअली उसके ग्रीड में देन आई एम लाइक मैं कर लेती हूँ. ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि इसकी चर्चा अभी बहुत हो रही है. आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है रणवीर सिंह उनसे आपकी कंपैरिजन बहुत हो रही है कि चूंकि एक फिल्म में वो काम कर चुके हैं इस तरह की एक फिल्म में लुक को लेकर कंपैरिजन हो रहे हैं. फिल्म का जो पूरा लुक है उसको लेकर भी कंपैरिजन हो रहे हैं. आप इसे किस तरह से देखते हैं जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीम बनाए जा रहे हैं, क्या ये आपको इफेक्ट करता है और क्या आपने कभी सोचा था कि इस फिल्म में काम करने के बाद इस तरह का कंपैरिजन भी होगा? आप उसके लिए तैयार थे? देखिए कंपैरिजन के लिए तो कंपैरिजन के लिए तो तैयार हम सभी थे. फिल्म बना रहे हैं तो एक वो माहौल ही होता है आजकल का कि यार जो पिछली चीज देखी हुई जो अच्छी है हम हमेशा कंपेयर करने लगते हैं. आज अगर हम कोई भी फिल्म का ट्रेलर देख ले तो हमारी कंपैरेटिव स्टडी चालू ही हो जाती है. लेकिन उस समय की इतनी कहानियां हैं जो बोली जानी चाहिए. मेरे लिए हमेशा जब मैंने फिल्म साइन की थी वो जरूरी था दैट पानीपत एज अ स्टोरी मस्ट बी टोल्ड. और मैं इस भय में नहीं जी सकता कि किसी और ने अपने बाल मुंडवाए थे एक फिल्म के लिए. बिकॉज अगर मैं बाल नहीं मुंडवाऊंगा कंपैरिजन ना हो तो मुझे ज्यादा आपत्ति आएगी क्योंकि जो कम्युनिटीज हैं दे विल गेट ऑफेंडेड. नहीं फिर हमारी फिल्म रिलीज नहीं होगी. एग्जैक्टली होगा. बिकॉज अगर मैं उस भय में जीते रहूं तो वैसे मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगा. बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है. अब कल को ये बात वही होगी कि वरुण ने डबल रोल किया तो कोई दूसरा एक्टर डबल रोल नहीं कर पाएगा, ये तो नहीं हो सकता. अगर उरी बन गई है जो इतनी अच्छी वॉर फिल्म थी उसके बाद कोई वॉर फिल्म नहीं बना ये तो होगा नहीं. धोनी की बायोपिक जबरदस्त बनी लेकिन युवराज सिंह की भी कहानी उस समय की बहुत ही जरूरी है जो बोली जानी चाहिए. कल को वो बनेगी तो धोनी से कंपैरिजन जरूर होगा लेकिन वो अपनी जगह कहानी जरूरी है. पानीपत की कहानी हम सब एक एक इंसान से बड़ी है. इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पीपल दैट पुट देयर लाइव्स डाउन फॉर आवर कंट्री. सो आई थिंक फॉर मी दैट वॉज आई वॉज डूइंग अ पेट्रियोटिक फिल्म. आई वॉज डूइंग अ स्टोरी दैट डिजर्व्स टू बी टोल्ड. आई नेवर गॉट बॉक डाउन वाइल मेकिंग इट. द एक्सपेक्टेशन वॉज कि कंपैरिजन होंगे. उन्हें मैं रोक नहीं सकता, ना रोकना चाहता हूँ. मेरा काम है वो बोलेगा, हमारी फिल्म है वो बोलेगी. आपके लुक की कंपैरिजन जो है वो प्रियंका चोपड़ा के साथ काफी हो रही है, क्या कहेंगे आप? बट लुक तो सिमिलर है ही, वो मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज टाइम सेम है. आज ही सेट मराठास का टाइम है बट मराठास का टाइम है बट आई एम लाइक आई जस्ट फील दैट कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट. एंड ऐसे तो यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज जस्ट थिंकिंग जब मैंने बरेली की बर्फी की थी या जब थोड़ा कोई भी चुलबुला रोल कोई करता है तो अरे जब भी मैं की गीत बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट. सो आई फील कि दैट इज समथिंग दैट वी कांट स्टॉप. फॉर मी आई नो पार्वती बाई इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम काशी बाई. कोई भी दो एक्टर्स जो हैं वो अगर सेम किरदार करेंगे, सेम किरदार निभाएंगे तो वो भी अलग तरीके से करेंगे. तो यहाँ पे तो हम अलग अलग किरदार निभा रहे हैं तो वो अपने आप में ही बहुत अलग है. बस जाते-जाते एक आखिरी सवाल आशुतोष सर आपसे पूछना चाहूंगा. इससे पहले कई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आपने फिल्में बनाई, चाहे वो जोधा अकबर की बात हो, मोहन जोदार की बात हो, एक पीरियड फिल्म लगान भी आप बना चुके हैं. जब आप ये फिल्म बना रहे थे पानीपत तो किस तरह की चीजों का आपने ख्याल रखा कि लोग ऑफेंड ना हो? क्योंकि बात बात पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ कम्युनिटीज ऑफेंड हो जाती हैं. इस मामले में तो अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था कि भाई अहमद शाह अब्दाली के किरदार को नेगेटिव लाइट में ना दिखाया जाए. एक समुदाय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि मराठा कम्युनिटी को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, उन्हें नेग्लेक्ट किया गया. किस तरह की खास बातों का आप ख्याल रखते हैं जब हिस्टोरिकल फिल्म आप टच करते हैं? सबसे पहले तो ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है. And when I say authentic, I mean as authentic as possible, as close to reality as possible of the time. तो इतिहास की जब आप किताब उठाते हैं तो मैंने इसमें शेजवालकर की किताब ली. That is the main source जिसपे उन्होंने पूरा पानीपत का ये कैसा हुआ, क्यों युद्ध, क्यों ये लड़ाई हुई तीसरी, और
कौन वो लोग थे और क्या घटनाएं घटी, ये सब उन्होंने लिखा हुआ है। इस पे जब मैंने बेस किया तो अब जो इसमें सीन्स नहीं है वो पार्वती बाई के नहीं है, तो पार्वती बाई मेरी कैरेक्टर हो गई। जो एक्टर्स का कास्टिंग है वो मेरा कास्टिंग है, बिकॉज अभी मैं अगर मैं कहता हूं कि अर्जुन इज सूटेड फॉर सदाशिव देन दैट्स माय कास्टिंग, बिकॉज इन द स्क्रिप्ट इन द हिस्ट्री यू हैव नो अदर विजुअल रेफरेंसेस, सो यू आर ट्राइंग टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। रिएक्शंस तो अलग अलग लोगों के आने हैं, ट्रेलर को देख के जो इमीडिएट एक रिस्पॉन्स है वो जाहिर आना है। ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि अहमद शाह अब्दाली साहब ये फादर ऑफ द नेशन है फॉर अफगानिस्तान, लेकिन 8 बार उन्होंने तभी आक्रमण किया था, वो हमारी हिस्ट्री में है, उनकी हिस्ट्री में अलग है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि इन मराठों ने कैसे उस आक्रमण को तब रोका और इनका शौर्य क्या था, तो वो दिखाने में जो मुझे कहानी जिस तरह से पिरोनी पड़ रही है वो मैंने पिरोई है फ्रॉम द हिस्ट्री। चलिए आपके उनका बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही हम पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए थे, लेकिन हम चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर आप लोग ये लड़ाई जीते, फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और पसंद करें। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।